वागुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह माय नेम इज जसदीप कौर आई एम अ करियर काउंसिलर वेलबींग कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर टुडे इज मॉर्निंग हुक्मनामा फ्रॉम श्री दरबार साहिब अमृतसर इज बाय श्री गुरु रामदास जी इन अंग 690 ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਪਰਦੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ 4 ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿਉਂਗਾ ਸਤਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀਉ ਸਤਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੁਬਾਈ ਸਹਜ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਿਕਸੇ ਸਦਾ ਅੰਦੀਨ ਜ ਆਪ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਮਿਤ ਜੇ ਮਾਇਆ ਸਹਜ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ आप करता करे सोए आप दे ता पाइए हर जियो कृपा करे ता नाम ते आइए जियो विच मीन्स डिवाइन नाम कैन contemplated कॉन्टेम्पलेटेड ओनली revered Hari हरी गॉड बेस्टोज ग्रेशियसनेस true Guru गुरु with perceptions on meeting, devotee sings God's glories with poise. When it pleases God, devotee's mind blossoms night day by human praises of divine attributes, forsaking ego, self conceit, and Maya. Devotee remains intuitively absorbed in Nam. Creator does whatever deemed good and bestows to humans whatever and whenever He likes. Divine Nam can be contemplated only when revered Hari God bestows graciousness.

ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੌਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਵ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਊ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਥੀਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ði ਵਰਕੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਥੀਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਨਾਮ ਬਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ शब्द बाय नोइंग द थ्रूथ कि जो अस सोच रहे हैं जो अस इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सच्चाई कि और वी आर जस्ट सो मच इंटेंगल्ड इन आवर स्टोरीज सो इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रूथ नैक्सट इज टू हैव फेथ इन द क्रिएटर ही इज द क्रिएटर उसने सारा ही कुछ क्रिएट किया है एंड इट्स ऑर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कि अ उसते फेथ करिए उसते पर भरोसा रख के एक्शन और एक्शन ले बट रिजल्ट की चिंता बहुत ना करिए एक्शन इज इम्पोर्टेंट। कि तुसी जो भी जिंदगी विच काम करने ने जोड़े भी थोड़े तो इम्पोर्टेंट एरियाज़ ने बीट हेल्थ रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, जोड़े भी थे तो इंपॉर्टेंट एरियाज़ ने वर्क बिजनेस वो एक्शन लो और ईमानदारी एक्शन लो उस फेथ करके and what is faith when the fundamental uh, four fundamental dimensions body mind emotions and actions all are in the same direction when they all are in the same direction तो अलामान ने दरुदर पटकेगा नहीं तो उसी focus होके रबते faith करोगे ते फिर action लोगे और जब तो action लोगे consistently काम करते जाओगे रिजल्ट की बहुत चिंता नहीं करोगे क्योंकि रिजल्ट उसके हाथ इच्छे इट्स सो ब्यूटीफुली मैनशनड आप करता करे सोए आप देता पाइए जो भी उसका मन करेगा वो सू डिजायर्ड रिजल्ट देने पर साड़ी की ड्यूटी है कम करना सा ड्यूटी है जो भी अस लाइफ अकंपलिश करना चाहते हाँ परमात्मा का नाम लैके उस फेथ करके एक्शनस लेना ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋ ਉਸ ਤੇ ਪਰੋਸਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋ वट इन हेल्थ एरिया इन योर वर्क एरिया इन योर रिलेशनशिप एरिया जिस भी एरिया रिजल्ट्स चांदे हो बट थोड़ा फोकस सारा रिजल्ट्स वाले आज अपना फोकस चेंज कर दो हैव कंप्लीट फेथ एंड टेक द एक्शन अपनी प्लानिंग करो तो एक्शन लो एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी टेक केयर बी बैलेंसड भी हैप्पी वागुरु जी का खालसा वाहू जी की फतेह 와해 구름